अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक क्या करें, कमेंट क्या करें, शेयर क्या करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो गया, बहुत ज़बरदस्त वेदर हो गया, तो यहाँ बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही थी और बहुत इन्जॉय किया बारिश में, क्योंकि बहुत गर्मी थी तो उसके बाद बारिश बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद मेरी क्विक सी रेसिपी है, मैं दाल बना रही हूँ, इसलिए बोला आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, इसलिए इतना डिटेल से नहीं है तो, बट बहुत अच्छी है। तो यहाँ हमने दाल रख दी है पकने के लिए, ये मूंग और मसूर की दाल है जिसे मैं येल्लो रेड दाल बोलती हूँ। तो इसे मैंने पानी डालकर रख दी थी, हल्दी भी साथ डाल दिया था हाफ टी स्पून। यहाँ इसका तड़का रेडी कर रहे हैं, इसमें मैंने असली घी डाला है, आपकी मर्ज़ी आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने एक प्याज ले लिया है, उसे अच्छा से ब्राउन कर लूँगी। उसमें फिर गार्लिक ऐड कर दिया है, चॉप करके ऐड कर दिया, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद इसमें एक टमाटर डाल दिया है, उसे भी अच्छे से भुनाई कर देनी है। हरी मिर्ची डाल दी हैं, अच्छी सी इसकी भुनाई कर देनी है। तड़का बहुत ज़बरदस्त रेडी होता है। और इसमें सूखे मसाले भी बिल्कुल आराम से डलेंगे, बिल्कुल तीन मसाले डलेंगे जिसमें है हल्दी और लाल मिर्च और गरम मसाला। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें हाफ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया है और हाफ टी स्पून से भी कम गरम मसाला डाल दिया, क्योंकि हमने गरम मसाला भी थोड़ा सा और डालेंगे। इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, अपने टेस्ट पर आप जितना डालें। उसके बाद इसकी अच्छी से भुनाई कर देनी है जितना तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और आप लोग की मर्ज़ी, आप दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने असली घी ऐड किया, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसीलिए। तो बस यहाँ हमारा तड़का रेडी हो रहा है, वहाँ हमारी दाल बिल्कुल रेडी होने वाली है, तैयार होने वाली है। उसमें मैं थोड़ा सा गर्म मसाला ऊपर से डालूँगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत यम्मी होता है। आप रोटी के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मुझे तो वैसे भी ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने बोला आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ हमारी भुनाई हो रही है इसकी अच्छी सी, यहाँ हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, तो इसके ऊपर तड़का डल जाएगा। और ये देखें कितना ज़बरदस्त अब इसकी लुक हो जाएगी चेंज। और बस इसे अच्छा सा तड़के में बनाना है और उसका फ्लेम ऑफ कर देना है। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा हाई फ्लेम करके उसके बाद इसका फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देना है। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर दूंगी। तो यहाँ देखिए हमारा फ्लेम बिल्कुल ऑफ हो गया है, उसके बाद इसमें मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसके साथ आप राइस बॉईल करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत यम्मी होगा। या इसके साथ आप रोटी खाएँ, रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगती है ये वाली दाल। तो बहुत टाइम बाद बनी थी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया। इसके साथ मैंने चटनी बनाई थी टमाटर वाली, और चटनी की पहले वाली रेसिपी भी है, मैंने पहले भी अपलोड किया, आप लोग मेरे चैनल पर जाके विज़िट करिएगा और फुल वॉच करिएगा। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।